चलिए जर्नल एंट्रीज की बात करेंगे। जर्नल एंट्रीज कवर करते हैं पूरी की पूरी। हमें अलग अलग सिनेरियो देखना है जिनके अंदर में जर्नल एंट्रीज किस प्रकार से होती बैठेगी। जैसे कि सपोज बायबैक इज फ्रॉम फ्री रिजर्व्स, बायबैक इज फ्रॉम फ्री रिजर्व। अब फ्री रिजर्व्स क्या क्या होते हैं? जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्री रिजर्व्स है, रिटेन अर्निंग्स फ्री रिजर्व है। इन सब को हम फ्री रिजर्व बोलेंगे। किसे फ्री रिजर्व नहीं बोलेंगे? रिवैल्यूएशन रिजर्व इज नॉट अ फ्री रिजर्व, कैपिटल रिजर्व इज नॉट अ फ्री रिजर्व, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व या कोई स्टैट्यूटरी रिजर्व है यानी कि लॉ के कंप्लायंस के कारण बनाए गए रिजर्व्स है, इन्हें फ्री रिजर्व्स नहीं बोलते क्योंकि इनका यूटिलाइजेशन स्पेसिफिक होता है कि उन्हें एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए ही आपको यूज करना पड़ेगा इसीलिए। ठीक है, तो जनरली हम लोग ये तीन ही प्रकार के रिजर्व यूज करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम देखेंगे और कितने प्रकार के फ्री रिजर्व हो सकते हैं, यानी अगर उनमें कुछ नया कुछ अलग दिया रहा तो। अब समझिए कि आपके पास जनरल रिजर्व पड़ा है लेट से 2 लाख का, पीएनएल पड़ा है लेट से 2 लाख का, रिटेन अर्निंग पड़ी है लेट से 2 लाख की, सब कुछ 2-2 लाख रुपए का पड़ा है। हमने बायबैक किया 2 लाख रुपए की इक्विटी शेयर्स जिसमें प्रीमियम हमने 3 लाख का दिया, यानी 5 लाख रुपए में बायबैक किया है। 2 लाख फेस वैल्यू के इक्विटी शेयर्स, 2 लाख फेस वैल्यू के इक्विटी शेयर्स यानी क्या? 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच अपन ने बायबैक किए। पर अपन ने बायबैक कितने में किए? अपन ने बायबैक 5 लाख रुपए में किए। ये जो शेयर्स हैं इनको अपन ने बायबैक 5 लाख रुपए में किया यानी कि ₹25 में। ठीक है, क्लियर है यहां तक के? चलिए, तो इसके बेसिस पे अपने को जर्नल एंट्री पास करनी है। अपने पास रिजर्व्स वगैरह सब अवेलेबल है बैलेंस शीट में, तो ऐसे में आप जर्नल एंट्री कैसे पास करोगे? सबसे पहले तो इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट कर देंगे टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। और ये नॉमिनल वैल्यू से करेंगे, जो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स है। ध्यान में रखिए जो प्रीमियम का अमाउंट होता है ये आपने सीए आईपीसीसी और सीपी सीए फाउंडेशन लेवल पे पढ़ा होगा, सीए इंटर अकाउंट्स ग्रुप 1 या फिर आपका सीए फाउंडेशन सीपीटी, उस लेवल पे आपने पढ़ा होगा कि कभी भी शेयर के अंदर शेयर कैपिटल के अंदर में फेस वैल्यू जाती है जो उसका प्रीमियम है। जैसे ₹10 का शेयर ₹15 में खरीदा होगा, हो सकता है अपन ने अपना ₹10 का शेयर ₹15 में बेचा है मार्केट में, तो जो ₹5 का प्रीमियम है वो ₹5 का प्रीमियम एक दूसरे अकाउंट में जाता है जिसे हम बोलते हैं शेयर प्रीमियम अकाउंट, जिसका नाम क्या है? शेयर प्रीमियम अकाउंट। पॉइंट क्लियर है यहां तक के? तो फिलहाल हम लोग यहां से फेस वैल्यू डालेंगे जो कि 2 लाख है। मैंने ऊपर क्लियर किया, 20,000 के 10 शेयर अपन ने बाय बैक किए हैं। सर आपने टोटल शेयर कैपिटल नहीं बताया, हम लोगों ने पढ़ा था कि 25% के ऊपर नहीं कर सकते, हम ऐसे कैसे चेक करें? अरे वो सब चेकिंग बाद में, अभी पहले तो जर्नल एंट्री सीख रहे हैं, वो सब चेकिंग तो बाद में भी कर सकते हैं। सपोज करो ये सब लिमिट में बैठ रहा है, जर्नल एंट्रीज तो देखो बराबर जम रही है कि नहीं जम रही है कि नहीं। हाँ, तो सबसे पहली जर्नल एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट कर देंगे। जब दूसरी जर्नल एंट्री पे जाएंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल हम डेबिट कर चुके हैं, दूसरी जर्नल एंट्री पैसे तो 5 लाख रुपए देने हैं। पैसे कितने देने हैं? 5 लाख रुपए देने हैं। तो मैं जब इक्विटी शेयर होल्डर्स को डेबिट करूंगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो मैं उनको डेबिट करूंगा कितने से? 5 लाख रुपए से, क्योंकि मैंने उनको जो पैसे देने हैं वो कितने देने हैं? 5 लाख टू बैंक, 5 लाख। ठीक है, पॉइंट क्लियर है यहां तक के? डिफरेंस आ गया सर 3 लाख रुपए का डिफरेंस आ गया। अरे जो 3 लाख रुपए का डिफरेंस आया वो 3 लाख रुपए आपने कहां से दिए? आप ये सोचो कि वो 3 लाख रुपए आपने कहां से दिए? वो 3 लाख रुपए आपने शेयर प्रीमियम अकाउंट से दिए होंगे। प्रीमियम जब हम शेयर्स खरीदते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं? शेयर प्रीमियम को क्रेडिट करते हैं। जब हम शेयर्स खरीदते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं? शेयर प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो जब शेयर्स बायबैक करेंगे यानी शेयर जब इशू हुआ तो शेयर प्रीमियम आया था, जब बायबैक करेंगे ना हम वापस से ले लेंगे शेयर्स को, कंपनी वापस ले लेगी मतलब शेयर्स को, तो शेयर प्रीमियम ऑब्वियस ही बात है डेबिट होना चाहिए क्योंकि वो क्रेडिट हुआ था जब कंपनी ने शेयर इशू किए थे। पॉइंट क्लियर है? तो अब क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि कंपनी शेयर्स बायबैक कर रही है। तो हम क्या करेंगे? शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स,
3 लाख, क्योंकि हमने 3 लाख के प्रीमियम में ये शेयर्स बायबैक किए। मैंने शायद आपको ये शेयर प्रीमियम दिया ही नहीं। चलिए आपके शेयर प्रीमियम अकाउंट में सपोज कीजिए कि बैलेंस पड़ा है 4 लाख रुपए का, और शेयर प्रीमियम भी एक प्रकार का फ्री रिजर्व है, ध्यान में रखिए, शेयर प्रीमियम इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी अ फ्री रिजर्व, ये भी हमारे यहां बायबैक के केस में यूज में आ सकता है। अब लॉ की रिक्वायरमेंट समझ लीजिए। लॉ कहता है कि देखिए आपने तो शेयर कैपिटल कम कर दिया, पर हम ये नहीं मानेंगे कि शेयर कैपिटल कम हो। हम नहीं चाहते कि ये शेयर कैपिटल कम हो, हम चाहते हैं कि ये शेयर कैपिटल वापस आपके बुक्स में एज इट इज रिफ्लेक्ट हो जाए। तो वापस से रिफ्लेक्ट हो जाए, इसीलिए इस चैप्टर की बायबैक की अकाउंट्स के अंदर में, और इनफैक्ट रेड विद कंपनीज एक्ट कौन सा, सेक्शन 68, अगर आप उसके साथ पढ़ते हैं, अगर आप उसके साथ पढ़ते हैं, तो यहां पे हम लोगों को क्या समझ में आता है कि हमें उतने अमाउंट का एक अकाउंट बनाना पड़ता है। ये वाला चैप्टर बोलता है कि आपको एक अकाउंट बनाना है जिसमें जितना भी नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल आपने कम किया, जितना भी नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल आपने कम किया, उतना आप एक अकाउंट में डाल देंगे जिसे हम बोलेंगे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। क्या बोलेंगे? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। ये जो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट है, ये एक रिजर्व होगा पर ये फ्री रिजर्व नहीं होगा, ये एक रिजर्व होगा पर ये फ्री रिजर्व नहीं होगा। आप क्या करेंगे, आप एक अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम होगा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। यहां पे फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स बॉट बैक, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स बॉट बैक कितने, 2 लाख, 2 लाख फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स बॉट बैक विल बी एडजस्टेड। अभी आप फ्री रिजर्व्स में से लेके आएंगे, फ्री रिजर्व में हमारे पास जनरल रिजर्व है, पीएनएल है, रिटेन अर्निंग है, वैसे तो आप तीनों में से कोई भी अकाउंट ले सकते हैं, पर जनरली हम लोग सबसे पहले जनरल रिजर्व देखते हैं, फिर रिटेन अर्निंग देखते हैं, और फिर पीएनएल देखते हैं। मैं सबसे पहले यूज करूंगा जनरल रिजर्व। मेरे जनरल रिजर्व में 2 लाख का बैलेंस अवेलेबल है, तो मैं 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर दूंगा कौन से अकाउंट में, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एग्जाम में प्लीज शॉर्ट में मत लिखिएगा, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। क्लियर है यहां तक के? सर ये आप क्यों कर रहे हो, ये अकाउंट बनाने के पीछे का लॉजिक क्या है, क्या चाहती है इंस्टीट्यूट? देखो सपोज करो ये हमारी बैलेंस शीट है जिसमें हमारा शेयर कैपिटल दिख रहा है 10 लाख, और हमारे रिजर्व एंड सरप्लस, मैंने ऊपर सब मिला के मेरे रिजर्व एंड सरप्लस आपको दिए थे 6 और 4 10 लाख के, ठीक है, 10 लाख रुपए के रिजर्व एंड सरप्लस दिया था। कंपनी के पास में टोटल शेयर होल्डर्स फंड्स 20 लाख रुपए के हैं, ऐसा बोला जा सकता है। कंपनी ने क्या किया, इसमें से 2 लाख रुपए का शेयर कैपिटल बॉट बाय बैक कर लिया, तो क्या हो गया, यहां से 2 लाख रुपए कम हो गए, और रिजर्व्स में से 3 लाख रुपए कम हो गए, क्योंकि अपन ने तो 5 लाख रुपए में बाय बैक किया, यानी कि अपने पास अब जो बैलेंस रह गया वो रह गया 15 लाख। रिजर्व को लेकर दिक्कत नहीं है, दिक्कत है शेयर कैपिटल को लेकर। कहा जाता है कि आपका जो शेयर कैपिटल है वो फिलहाल जो 8 लाख हो गया वो कम नहीं होना चाहिए, बायबैक के कारण आपका जो शेयर कैपिटल है वो कम नहीं होना चाहिए, वो उतना का उतना मेंटेन्ड रहना चाहिए, तभी हम लोग ये बोल पाएंगे कि हाँ जो क्रेडिटर्स है उनके जेब से कोई पैसा कम हुआ है, ऐसा नहीं है हमने सरप्लस फंड्स यूज किए हैं, सरप्लस फंड्स यूज किए हैं। तो अब ये जो कैपिटल अपन ने तो 2 लाख रुपए बायबैक कर दिया, अपन ने कैपिटल कम कर दिया, तो इसका फिलअप गैप देखो ये कितना हो गया, ये हो गया 8 लाख, ये जो फिलिंग अप करना है कितने की, 2 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की फिलिंग अप करना है, ये फिलिंग अप कहां से होगी, ये 2 लाख रुपए की फिलिंग अप कहां से होगी, तो वो बोलता है कि आप जो फ्री रिजर्व्स है उनमें से ये अमाउंट को ब्लॉक कर लीजिए, जो फ्री रिजर्व्स है उनमें से ब्लॉक कर लीजिए, यानी अपने पास में रिजर्व एंड सरप्लस पड़ा है, अपन इसको फ्री रिजर्व बोलते हैं, अपने पास फ्री रिजर्व्स पड़े हैं 7 लाख के, ये 7 लाख में से वो बोलता है कि ये 2 लाख रुपए आप कम कर दीजिए, आप फ्री रिजर्व 5 लाख कर दीजिए और शेयर कैपिटल को वापस से 10 लाख पिला दीजिए, पर ये रिफ्लेक्ट ऐसा शेयर कैपिटल के नाम पे नहीं करेगा, अब शेयर कैपिटल आपका दिखेगा 8 लाख, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व दिखेगा 2 लाख और रिजर्व एंड सरप्लस दिखेगा 5 लाख। देखो कम तो हो गया, मैं ये नहीं बोल रहा कि कम नहीं हुआ, 20 लाख था, 20 लाख का 15 लाख हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर 15 लाख में जो ओरिजिनल शेयर कैपिटल है जिससे बिजनेस की शुरुआत हुई थी वो अभी भी 10 लाख का 10 लाख ही दिखता रहेगा, जिसमें शेयर कैपिटल 8 लाख दिखेगा और CRR कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व दिख जाएगा 2 लाख रुपए का, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व दिख जाएगा 2 लाख रुपए का। हमारा मोटिव क्या है, शेयर कैपिटल कम नहीं होना चाहिए, इन्वेस्टर ने, इन्वेस्टर यानी कौन, बिजनेस में इन्वेस्टर, बिजनेस का ओनर, ओनर ने अपना फंड कम नहीं करना चाहिए,
ओरिजिनल फंड जिससे उसने बिजनेस स्टार्ट किया वो कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रेडिटर ने उस ओरिजिनल फंड को देख के अपना पैसा इन्वेस्ट किया था। बराबर है? देखो, हमने किसी बिजनेस में 10 लाख रुपए डाले, ओनर ने किसी बिजनेस में 10 लाख रुपए डाले और उसने 10 लाख का लोन लिया, टोटल 20 लाख रुपए। वो लोन देने वाले ने 10 लाख का लोन इसीलिए दिया कि वो सोचता है कि मैं तो सेफ साइड पे हूं, कुछ भी करो, ओनर ने भी 10 लाख डाले हैं इसलिए मैं भी उतना ही इक्वल अमाउंट डाल रहा हूं, मेरे ऊपर रिस्क नहीं है। कल अगर कोई नुकसान हुआ तो सबसे पहले मुझे तो मेरा पैसा मिल जाएगा, क्योंकि नुकसान की रिस्क 50% तक के तो ओनर कवर कर रहा है, 50% तक। सर कैसे हुआ ये सर? देखो, अगर आपने 20 लाख के फंड लाए तो आपके पास एसेट्स भी 20 लाख के हैं। बराबर है? अगर सपोज करो आपको 50% का नुकसान हो गया, आपको 50% का नुकसान हो गया मतलब आपके जो एसेट्स हो 50% से कम हो गए। बराबर है? आपके एसेट्स 50% से रिड्यूस हो गए, यानी अब आपके एसेट्स कितने रह गए? 10 लाख। सबसे पहले पेमेंट किसको होगा? सबसे पहले पेमेंट लोन वाले को होगा। कभी भी पेमेंट सबसे पहले ओनर को नहीं होता, सबसे पहले जितने लोगों ने लोन लिया है सबसे पहले उनको पेमेंट होता है, फिर कुछ बच गया रेसिड्यूअल इंटरेस्ट कौन ले जाता है? ओनर। हमने क्या डिस्कस किया था? इक्विटी क्या होता है? जो रेसिड्यू बचता है, रेसिड्यू कौन लेके जाता है? फिर ओनर लेके जाता है। पॉइंट क्लियर है? तो यही चीज यहाँ पे आपको पूरी की पूरी समझाई हुई है। क्लियर है? चलिए देखते हैं। तो 10 लाख रुपए तो आपका ये लोन वाला सेफ साइड पे लेके चले ही जाएगा, पर अब सोच के देखिए, सोच के देखिए कि ये 10 लाख आने के बाद में ओनर ने क्या किया, अपना पैसा 2 लाख रुपए निकाल लिया, विड्रॉ कर लिया, यानी उसका कैपिटल कितना हो गया? 8 लाख। अब जो रिस्क है, अब जो रिस्क एपेटाइट है, जब 50% हो जाएगी, यानी ये जो एसेट्स है ये कितने हो जाएंगे? 18 लाख। ये कितना हो जाएगा? नुकसान 50% का हो गया तो 9 लाख, यानी कि लोन वाले का कवरेज सिर्फ 9 लाख रुपए तक हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ओनर अपने 2 लाख रुपए लेके निकल गया। इससे लोन वाले को टेंशन आ जाएगा, वो बोलेगा देखो मैंने तो तुम्हारे 10 लाख तुमने डाले थे इसीलिए मैंने भी 10 लाख रुपए डाले थे, मैं इतनी रिस्क लेना ही नहीं चाहता था, मैं तो तुम्हारा जितना कैपिटल है उतना ही कैपिटल रखना चाहता था, तुमने पैसे विड्रॉ किए तो किए क्यों? तुम पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते, पहली कंडीशन, तुम पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा बेस देख के ही मैं आगे बढ़ा। पॉइंट समझ में आया? चलो, पर सपोज करो हमारे ओनर ने 10 लाख डाले थे, लोन के 10 लाख आए थे और कंपनी ने इस साल प्रॉफिट्स कमा लिए 3 लाख रुपए के। कंपनी ने क्या किया? इस साल प्रॉफिट कमा लिया। कितने का प्रॉफिट कमा लिया? 3 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, यानी कंपनी के पास में एसेट्स पड़े हैं 23 लाख रुपए के। अब सपोज करो कि ओनर अपने 2 लाख रुपए निकाल रहा है, ओनर अपने 2 लाख रुपए निकाल रहा है, तो लोन वाले को टेंशन तो आएगा, लोन वाले को टेंशन तो आएगा, पर अपन लोन वाले को बोलेंगे देख भाई लोन देने वाले, मैंने जो 2 लाख निकाले हैं ना, मैंने जो प्रॉफिट कमाया उससे निकाले, मैं अगर ये 2 लाख रुपए मेरे एसेट्स में से कम भी कर दूं तो भी 21 लाख रुपए। अभी भी अगर तुम 50% रिस्क कैपिटाइट पे चलो ना, 50% रिस्क कैपिटाइट पे, तो मेरे पास 10.5 लाख के एसेट्स बचेंगे, वो भी तुम्हारे लोन से तो ज्यादा ही है, यानी मैं तो प्रॉफिट विड्रॉ कर रहा हूं, मैं मेरा कैपिटल विड्रॉ नहीं कर रहा, मैं जो विड्रॉ कर रहा हूँ मेरा प्रॉफिट है, दिख रहा है कि मैं कैपिटल विड्रॉ कर रहा हूँ पर मैं एक्चुअली कैपिटल विड्रॉ नहीं कर रहा, मैं तो मेरा प्रॉफिट विड्रॉ कर रहा हूँ। अब ये बात लोन वाले को समझ में आना चाहिए। लोन वाला बोलेगा नहीं, तुम तो कैपिटल कम कर रहे हो, तुमको ऐसा होता तो तुमने डिविडेंड लेना चाहिए था, तुम्हारे पास तो राइट है, तुम डिविडेंड ले सकते हो, डिविडेंड की जगह पे तुम अपना लोन का पैसा, ये शेयर कैपिटल वापस कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात उस लोन वाले को नहीं समझ में आ रही, आप में से भी कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रही, पर यह बात लॉ को समझ में आती है और यह बात एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को समझ में आती है। आप सोच के देखिए कि मेरे पास 3 लाख का प्रॉफिट है, मैं इसे 2 तरीके से निकाल सकता हूं। अब जब मैंने इस बिजनेस में ये प्रॉफिट 3 लाख रुपए लेके रखा है, मतलब अब मेरा इन्वेस्टमेंट 13 लाख हो गया और लोन 10 लाख। 3 लाख का प्रॉफिट किसका है? ओनर का, यानी कि ओनर का इन्वेस्टमेंट 13 लाख रुपए हो गया। अब वो ये जो पैसा है ये 2 तरीकों से निकाल सकता है, या तो वो अपना ओरिजिनल कैपिटल 10 लाख में से पैसा निकाले, या फिर वो डिविडेंड के तौर में 3 लाख में से 2 लाख रुपए निकाले, वो उसकी इच्छा, वो कैसे निकालना चाहता है, वो कैसे भी निकाले ना उसकी इच्छा। अगर उसने डिविडेंड वर्ड यूज किया होता तो लोन वाले को कोई टेंशन नहीं हुआ होता, वो आराम से बेटा हाँ ठीक है तुमने तुम्हारे प्रॉफिट में से डिविडेंड दिया, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। डिविडेंड में भी आप लोगों ने लॉ के अंदर पढ़ के रखा है कि डिविडेंड हमेशा आउट ऑफ प्रॉफिट रहना चाहिए, यानी जितना प्रॉफिट है उसके ऊपर डिविडेंड नहीं दिया जा सकता। तो लॉ ने आपको लोन वालों को सेफगार्ड करने के लिए ये चीज डाल के रखी कि डिविडेंड कभी भी इन्वेस्टमेंट्स में से नहीं किया जा सकता, इट शुड ऑलवेज बी आउट ऑफ प्रॉफिट्स। बराबर है यहां तक? पर सपोज करो कि हम लोग प्रॉफिट्स में से नहीं निकाल रहे, हम तो हमारा कैपिटल ही विड्रॉ कर रहे हैं, हम तो हमने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया था वही विड्रॉ कर रहे हैं,
तो फिर वापस से वही बात आएगी, आप लोन वाला सोचेगा अरे यार तुम तो तुम्हारा ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट वापस निकाल रहे हो, अपन भले ही उसके सामने कितना भी सर पटक ले, नहीं नहीं मैं तो मेरा प्रॉफिट वापस निकाल रहा हूँ, प्रॉफिट विड्रॉ कर रहा हूँ। बोलेगा नहीं तुमने डिविडेंड नहीं लिया है, तुमने क्या किया है, तुमने अपना ओरिजिनल कैपिटल वापस से लिया है, मेरे को नहीं चलेगा। तो लॉ ने क्या बोला, ठीक है एक काम करो ओनर्स कैपिटल को वापस से ओरिजिनल फ्रेम में लेके आ जाओ। कैसे करोगे आप ओनर्स कैपिटल को ओरिजिनल फ्रेम में? वो बोलता है कि ये जो आपके पास प्रॉफिट्स अवेलेबल है आपके फ्री रिजर्व से, इसमें से जितना पैसा आपने विड्रॉ किया उतने का कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बना लो, नॉमिनल वैल्यू का कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बना लो। यानी कि मेरा ओनर्स कैपिटल विड्रॉवल के बाद 8 लाख हो गया और कैपिटल रिडेम्पशन 2 लाख हो गया, वापस से ओरिजिनल 10 लाख पे आ गए, लोन धारक भी खुश, वो भी सेटिस्फाइड है कि हाँ ठीक है उसने जो भी विड्रॉ किया वो प्रॉफिट्स में से विड्रॉ किया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो हमेशा इसीलिए नॉमिनल वैल्यू की बात होती है, प्रीमियम की बात क्यों नहीं होती? प्रीमियम की बात क्यों नहीं होती? जैसे अभी हमने जो क्वेश्चन किया उसके अंदर में 3 लाख रुपए का तो प्रीमियम ही था। अच्छा सोच के देखो, अगर आपके पास ये शेयर प्रीमियम नहीं होता, जनरल रिजर्व नहीं होता, पीएनडीएल नहीं होता, रिटेन्ड अर्निंग होती 2 लाख की और आप शेयर होल्डर को 5 लाख रुपए दे रहे हो, तो बचे हुए 3 लाख रुपए लाते कहां से? बोलो बोलो बचे हुए 3 लाख रुपए लाते कहां से? प्रीमियम देने के लिए आपके पास कोई अकाउंट है क्या जहां से आप ये पैसा दोगे सामने वाले को? ऐसा कोई अकाउंट है ही नहीं आपके पास। तो क्या हम प्रीमियम पे ही शेयर इशू कर पाते? नहीं कर पाते। अब सपोज करो कि हमारे पास बस ये दो ही अकाउंट थे, पीएनएल 2 लाख, रिटेन अर्निंग 2 लाख। तो हमने क्या किया, 3 लाख रुपए तो प्रीमियम के तौर पर दे दिया, अब बचा कितना, 1 लाख। मैंने आपको क्या कहा, जितना नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स है उतने का सीआरआर बनना चाहिए, आपके पास रिजर्व कितने बचे, 1 लाख, पर सीआरआर तो 2 का बनना था। लॉ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ भी कर लो सीआरआर तो 2 का आपको बनाना ही पड़ेगा। यानी यहां पे भी मैं फिर 5 लाख रुपए में शेयर्स को बेच ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि मेरे पास जो रिजर्व है वो लिमिटेड है। देखिए आपके रिजर्व जितने लिमिटेड है उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमेशा सीआरआर बनेगा, आपका प्रीमियम पेमेंट फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं होगा। सबसे पहले हमेशा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाएगा क्योंकि ये लॉ की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, रिजर्व को कम करना उससे प्रीमियम देना ये लॉ की रिक्वायरमेंट थोड़ी ना है, लॉ की रिक्वायरमेंट क्या है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाना। इसीलिए इसीलिए ऐसे केसेस में कभी भी सबसे पहले सीआरआर बनता है। अगर सीआरआर के लिए रिजर्व्स अवेलेबल नहीं है तो आप बायबैक प्रीमियम पे नहीं कर सकते, या फिर बायबैक के लिए भी सीआरआर अवेलेबल नहीं है तो आप बायबैक कर ही नहीं सकते, आपको बायबैक अलाउड ही नहीं रहेगा। इसीलिए हमेशा सीआरआर एट पार वैल्यू ऑफ द शेयर्स, पार वैल्यू यानी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर हमेशा रहना जरूरी है, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। क्लियर है यहां तक के? चलिए तो काफी कुछ तो हम लोग यहाँ पे समझ गए, काफी सारी हम लोग यहाँ पे जर्नल एंट्रीज समझ गए कि किस तरीके से जर्नल एंट्रीज पास की जाती है। अब हम एक सेकेंड सीनेरियो डिस्कस करते हैं। सेकेंड सीनेरियो, सपोज द बायबैक इज थ्रू फ्रेश इशू, हम बायबैक करना चाहते हैं पर फ्रेश इशू से, हम रिजर्व्स प्रीमियम यूज नहीं करेंगे, फ्रेश इशू करेंगे। जैसे हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल पड़ा है 10 लाख रुपए का, हमारे पास रिजर्व्स एंड सरप्लस पड़े हैं 2 लाख रुपए के, हम ये इक्विटी शेयर कैपिटल में से 20% बायबैक करना चाहते हैं, 20% हम बायबैक करना चाहते हैं एट रुपीज 4 लाख, एट रुपीज 4 लाख्स। अब अपने रिजर्व्स वगैरह जो भी हैं उसका अपन 25% के ऊपर नहीं कर सकते, वो सारी की सारी लिमिट्स है। तो अपन एक काम करते हैं कि लॉ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलने के लिए इसको 3 लाख रुपए पे आके रोक देते हैं कि एट 3 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज में हम लोग बायबैक कर रहे हैं, बराबर है? तो अब जब आप बायबैक करोगे तो आप क्या करोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट करोगे टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 2 लाख, फिर वही इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट 3 लाख से होगा क्योंकि उनको पेमेंट जो अपन कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, 3 लाख के हिसाब से। अब जो रिजर्व्स है ये वो भी डेबिट किए जाएंगे इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर करने के लिए, क्योंकि आपने प्रीमियम के ऊपर में ये शेयर सेल किए हैं, तो हम जनरल रिजर्व को भी 1 लाख रुपए से कम कर देंगे। अब सवाल उठता है कि मेरे को सीआरआर बनाना चाहिए था 2 लाख रुपए का, पर मेरे पास जो रिजर्व अवेलेबल है अब वो सिर्फ 1 लाख रुपए का अवेलेबल है, ओरिजिनली मेरे पास रिजर्व 2 लाख के थे जिसमें से 1 लाख रुपए मैंने इक्विटी शेयर होल्डर को ट्रांसफर कर दिया एज प्रीमियम, अब मेरे पास सिर्फ 1 लाख रुपए का रिजर्व रह गया, बराबर है यहाँ तक के?
सीआरआर तो 2 लाख का बनना था, मतलब क्या ये अलाउड है? नहीं, आप बायबैक नहीं कर सकते, आपको बायबैक को रेस्ट्रिक्ट करना होगा, आपको अपने बायबैक को रेस्ट्रिक्ट करना होगा टू द एक्सटेंट आपके पास रिजर्व्स अवेलेबल है। पॉइंट क्लियर है यहां तक के? चलो, पर सपोज करो कि इस बायबैक के लिए मैं फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स ला रहा हूं, फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, क्या मैं इक्विटी शेयर ही फ्रेश इशू कर सकता हूं? नहीं। अरे जब फ्रेश इशू ही करना है तो यही वाले इक्विटी शेयर बायबैक क्यों कर रहे हो? नहीं कर सकते। प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकता हूं। सो व्हाट वी डिड इज, हमने प्रेफरेंस शेयर इशू किए ये वाले शेयर्स को बायबैक करने के लिए, ये शेयर्स बायबैक करने के लिए हमने क्या किया, प्रेफरेंस शेयर इशू किए, प्रेफरेंस शेयर्स कितने के इशू किए, लेट से 2 लाख रुपए के किए, यानी नॉमिनल वैल्यू पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख। अब देखो मेरा ओरिजिनल शेयर कैपिटल कितना था, ओरिजिनल शेयर कैपिटल था इक्विटी 10 लाख, अब मेरा बायबैक के बाद में शेयर कैपिटल कितना हो गया, इक्विटी देखा जाए तो 8 लाख पे आ गया, पर साथ ही साथ में प्रेफरेंस आ गया 2 लाख रुपए का, ओरिजिनल 10 लाख पे था, नया वाला भी 10 लाख पे है, यानी कि क्या मेरा ओरिजिनल शेयर कैपिटल बदला? नहीं। क्या लोन वाले को टेंशन लेने की जरूरत है? नहीं, उसको इस बारे में कोई भी टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। पॉइंट क्लियर है यहां तक क्या? क्या मुझे तीसरा सवाल कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाने की जरूरत है? हम सीआरआर क्यों बना रहे थे? ताकि हमारा ओरिजिनल कैपिटल एज इट इज रहे, इंटैक्ट रहे, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, बढ़ेगा चलेगा, कम नहीं होना चाहिए, अपना तो कम हुआ ही नहीं, तो क्या मुझे सीआरआर लाने की जरूरत है? आंसर इज नो, हमें सीआरआर लाने की जरूरत नहीं है। जब भी हम फ्रेश इशू लाते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स, तो हमें सीआरआर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। इज द पॉइंट क्लियर? चलो, पर सपोज करो कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो इशूड था वो 1 लाख रुपए का ही था, 2 लाख का नहीं, अपन ने 1 लाख रुपए का ही प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू किया, अब ऐसे में क्या हो जाता, ऐसे में अपना ये वाला जो अमाउंट है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का 1 लाख पे आके रुक जाता, अपने को तो 10 लाख पे लाना है, तो अपने को सीआरआर बनाना पड़ता, और अपने पास ओरिजिनल क्वेश्चन जो हम लोगों ने डिस्कस किया, ओरिजिनल क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया उसके हिसाब से रिजर्व्स कितने थे, 2 लाख, 2 लाख में से 1 लाख रुपए तो अपन ने ट्रांसफर कर दिए थे, 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए थे किसको, वो जो अपन ने प्रीमियम दिया बायबैक के लिए, यानी 1 लाख रुपए की रिजर्व अवेलेबल थे, वो 1 लाख रुपए के जो रिजर्व अपने पास अवेलेबल है वो अपन सीआरआर में ट्रांसफर कर देंगे, तो जनरल रिजर्व डेबिट टू सीआरआर 1 लाख। क्लियर है यहां तक के? तो आप इस तरह से कर सकते हैं, आप कुछ इस तरह से अकाउंटिंग कर सकते हैं रिलेटेड टू सीआरआर। सर ये सीआरआर काम क्या आएगा, क्या ये जिंदगी भर सीआरआर ही पड़ा रहेगा? देखो ये फ्री रिजर्व नहीं है, यानी आप इसे डिविडेंड के लिए यूज नहीं कर सकते, आप इसे किसी पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते अदर देन बोनस, सेक्शन 68 ने ये चीज एकदम क्लियर की कि आप सीआरआर को बोनस के लिए यूज कर सकते हैं, यू आर अलाउड टू यूज दिस पर्टिकुलर अमाउंट फॉर पेमेंट ऑफ बोनस। पॉइंट क्लियर है? यानी सीआरआर कैन बी कन्वर्टेड इनटू बोनस शेयर्स, कैन बी अगेन रिकन्वर्टेड इनटू शेयर कैपिटल, ठीक है, सीआरआर कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर कैपिटल, बस इतना करना आपको अलाउड है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी अलाउड नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या क्या बातें हमने डिस्कस की, अगर आप फ्रेश इशू ला रहे हैं फॉर बायबैक, फ्रेश इशू ला रहे हैं तो यू डोंट नीड टू क्रिएट सीआरआर, प्रोवाइडेड वो फ्रेश इशू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर जितना है, अगर वो फ्रेश इशू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर जितना नहीं है उससे ज्यादा है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर उससे कम है तो जितना कम है उतने का सीआरआर बना लो। देखो मैं फेस वैल्यू को ही कंपेयर कर रहा हूँ, आप कितने प्रीमियम पे शेयर बायबैक करो वो मैटर नहीं करता, ठीक है। चलो अगर आप फ्रेश इशू नहीं ला रहे, आप अपने रिजर्व्स या प्रीमियम फ्री रिजर्व जो भी है उसमें से आप बायबैक कर रहे हैं, तो आपने जितना बायबैक किया नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर उतने का आपने सीआरआर बना लेना चाहिए। पॉइंट क्लियर है? अब ये पूरी कहानी में एक बात ध्यान में रखिए, आपको जो फंड की रिक्वायरमेंट है, आपको जो फंड की रिक्वायरमेंट है और जो शेयर्स इशू किए जा रहे हैं, ये दो अलग अलग कहानी होती है। हम शेयर इशू कर रहे हैं बायबैक के लिए, हम शेयर इशू कर रहे हैं बायबैक के लिए, तो जितने अमाउंट के हम लोग शेयर इशू कर रहे हैं बायबैक के लिए, वहां से हमारे पास पैसा आ गया, हम लोगों ने रिफंड, हम लोगों ने शेयर इशू कर दिया। सपोज कीजिए कि अगर हम लोग फ्रेश इशू कोई ला ही नहीं रहे, हम कोई फ्रेश इशू ला ही नहीं रहे, रिजर्व प्रीमियम में से हम लोग बायबैक करने वाले हैं, तो जब भी आप रिजर्व या प्रीमियम में से बायबैक करते हो किसी भी प्रकार का बायबैक, कहां से, फ्रॉम द रिजर्व्स और प्रीमियम, तो फिर ये पैसे कहां से आएंगे, या तो हो सकता है हमारे पास सरप्लस कैश हो, या फिर सरप्लस कैश नहीं है तो हम लोग हमारे कोई इन्वेस्टमेंट्स बेच देंगे, हो सकता है कि हम हमारे इन्वेस्टमेंट्स बेच दें, हमारे पास कोई एसेट पड़ा है वो एसेट को बेच दिया, वहां से पैसा लाया, वो पैसे से हम लोग बायबैक कर रहे हैं, कैन बी डन, परमिटेड, नो इश्यूज, ठीक है, पर सीआरआर तो बनाना पड़ेगा।
सीआरआर हर केस में बनाना पड़ेगा। अब अपन ने जो स्पेसिफिक एग्जांपल देखा, कौन सा वाला एग्जांपल देखा, कि हमने जो इक्विटी शेयर्स बायबैक किए वो बायबैक किए थे 3 लाख रुपए में। हम लोगों ने जो इक्विटी शेयर्स बायबैक किए थे वो बायबैक किए थे कितने में, 3 लाख रुपए में। और हम लोगों ने इसके अगेंस्ट में फ्रेश इशू किया था, फ्रेश इशू कितने का किया, 2 लाख रुपए का। तो बचे हुए 1 लाख रुपए आए कहाँ से, पैसे जो अपने पास शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर से है वो कितना है, 2 लाख। बायबैक के लिए पैसा कितना चाहिए, 3 लाख। बचे हुए 1 लाख रुपए आए कहाँ से, तो बचे हुए 1 लाख रुपए हो सकता है हमारे पास सरप्लस कैश पड़ा हो सकता है कि अपने पास सरप्लस कैश पड़ा हो, बराबर है। अगर सरप्लस कैश नहीं पड़ा है तो एक आध कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह बेच डालेंगे, एक आध कोई एसेट बेच डालेंगे, वहां से पैसा आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पॉइंट क्लियर है। पर जो भी हो, ये जो पैसा आना चाहिए, ये जो पैसा आना चाहिए यूटिलाइज किसके लिए होना चाहिए, फ्रेश इशू का पैसा यूटिलाइज किस चीज के लिए होना चाहिए, फ्रेश इशू का पैसा यूटिलाइज होना चाहिए फॉर बायबैक पर्पस। वो कम पड़ सकता है, वो कम पड़ सकता है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बायबैक पर्पस के लिए यूटिलाइज ही नहीं होगा। इज द कंसेप्ट क्लियर, कंसेप्ट समझ में आया। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, हम थर्ड सिनेरियो देख रहे हैं कि वी इशू फ्रेश शेयर्स फॉर बायबैक एंड सेल इन्वेस्टमेंट्स और मे बी एसेट्स एज वेल। हमारे पास जो एसेट्स पड़े हैं वो एसेट्स भी हो सकता है कि हम लोग बेच देंगे, ठीक है, या फिर हम लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट्स इशू करके रखे वो इन्वेस्टमेंट्स भी हम लोग यूटिलाइज, यानी जो भी हम इनमें से कुछ भी चीज कर सकते हैं, इसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई एज सच डाउट नहीं है। समझिए, वी इशू फ्रेश शेयर्स फॉर बायबैक एंड सेल सच इन्वेस्टमेंट्स और एसेट्स एज वेल। अगर दोनों की दोनों चीजें हो रही है तो व्हाट अ स्टूडेंट, व्हाट एन नॉट अ स्टूडेंट, एन ऑडिटर नीड्स टू चेक इज इशू अमाउंट ऑफ शेयर्स यूटिलाइज्ड फॉर बायबैक, इज द इशू अमाउंट ऑफ शेयर यूटिलाइज्ड फॉर बायबैक, इफ येस देन डोंट क्रिएट सीआरआर। हमको सीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है, बट इफ नो देन यू नीड टू क्रिएट सीआरआर, क्योंकि ऐसा अज्यूम होगा कि वो जो शेयर आपने इशू किए हैं वो बायबैक के लिए नहीं थे, वो जो आपने शेयर इशू किए उसका बायबैक से कोई असच लेना देना नहीं है, पॉइंट क्लियर है यहाँ तक के। तो ये आपकी जर्नल एंट्रीज भी, हम लोगों को जो भी जर्नल एंट्रीज पास करनी पड़ती है वो पूरी की पूरी जर्नल एंट्रीज यहाँ पे भी। दो केसेस रिजर्व में से कर रहे हैं तो क्या होगा, या फिर आप खुद सीआरआर क्रिएट कर रहे हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ तक के हम जर्नल एंट्रीज क्लोज करते हैं, इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, एक 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 क्वेश्चन देखेंगे और उन्हें कंप्लीट करेंगे। चलिए, सो राइट नाउ आई एंड द वीडियो ओवर हियर।